वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा डीडी फ्री डिस्क के बारे में ही। दोस्तों आप सभी को पता ही है, डीडी फ्री डिस्क के प्लेटफॉर्म पे 45 ई ऑक्शन हुआ था, जिसमें आपको 5 चैनल देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बता दूँ, डीडी फ्री डिस्क के प्लेटफॉर्म पे 2 चैनल का स्लॉट अभी भी वैकेंट है। उससे रिलेटेड अपडेट है जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, डीडी फ्री डिस्क के 45 ई ऑक्शन होते ही स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलश रिश्ते, सोनी पल और जी अनमोल सिनेमा चैनल को डीडी फ्री डिस्क के प्लेटफॉर्म पे ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक रिश्ते सिनेप्लेक्स चैनल भी डीडी फ्री डिस्क के प्लेटफॉर्म पे ऐड हुआ था। इसके अलावा दोस्तों अभी भी 2 चैनल स्लॉट अभी भी वैकेंट है। तो बेसिकली अपडेट ये है कि क्या उन 2 जगहों पे कौन से चैनल देखने को आपको मिलने वाला है, क्या वो चैनल वैकेंट ही रहेगा। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, कुछ दिन पहले 9X जलवा, शो बॉक्स, उसके अलावा फिल्मची चैनल ऑफ एयर हुआ था। ऑफ एयर इट मीन्स कि डीडी फ्री डिस्क के प्लेटफॉर्म से हटा था कैरेज फी के वजह से। और इसके अलावा दोस्तों बता दूँ, 2 चैनल और हटने की संभावना है, मनोरंजन ग्रैंड और एक मूवी प्लस। इन दोनों चैनलों को 25 जून तक का वक्त दिया गया है। अगर 25 जून तक अगर ये अपना कैरेज फी देने में समर्थ रहते हैं तो इनके चैनल्स चलेंगे, अदरवाइज ये 2 चैनल भी डीडी फ्री डिस्क के प्लेटफॉर्म से हट सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर कैरेज फी ये दोनों चैनल दे देते हैं तो उसके बाद 2 वैकेंट रहेगा। अगर नहीं देते हैं तो 4 चैनल का स्लॉट खाली हो सकता है। ये दोनों चैनल 25 जून के बाद कभी भी बंद हो सकता है, अगर कैरेज फी नहीं दिया तो। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि जैसे ही स्टार उत्सव, जी अनमोल, कलश रिश्ते, सोनी पल जो चैनल ऐड हुआ, उसके बाद डीडी फ्री डिस्क तो एक तरीके से सबसे अच्छा DTH बन के अभी तक आ गया है फ्री प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के चैनल और अच्छे चैनल्स अवेलेबल हो गए हैं, जिससे डीडी फ्री डिस्क के ग्राहक काफ़ी खुश भी होंगे। बट यहाँ पे जैसे शो बॉक्स और फिल्मची चैनल आने की संभावना है, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये चैनल एक बार डीडी फ्री डिस्क के प्लेटफॉर्म से जो चैनल रिमूव हो जाता है तो उसको ऐड करने के लिए ई ऑक्शन ही करना पड़ता है, तभी वो चैनल्स को ऐड कर पाते हैं। तो अभी जो 2 स्लॉट खाली है वहाँ पे मूवी प्लस और फिल्मची के लिए मे भी हो सकता है आगे ई ऑक्शन करके उन चैनल प्लेटफॉर्म पे चैनल्स को लाया जा सकता है। अगर और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मूवी प्लस और अगर मनोरंजन ग्रैंड के चैनल का कैरेज भी अगर प्रसार भारती को पे कर देता है तो ये भी चैनल बने रहेगा, नहीं तो आने वाले टाइम पे 2 स्लॉट और खाली हो सकता है, फिर 4 चैनलों के लिए ई ऑक्शन हो सकता है। होप्स गाइस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट।